तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध वो क्या है सो देखिए। तो प्रतिरोध यहाँ विरोध किसका हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं सो देखिए। तो पहले कोई कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो करने में जो परेशानी आता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जब डिफाइन करेंगे डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आप गौर करिएगा यहां कि अपोजिशन ऑफर, ये विरोध कौन कर रहा है, किसका किया जा रहा है, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होंगे तो उसका विरोध किया जाना ही प्रतिरोध कहलाता है। ओम का नियम से आते हैं, तो ओम का नियम में हम लोग देखे थे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम का नियम में हमने देखा वी बराबर आई आर, यहां से R यदि निकाल लें तो R बराबर हो जाएगा V बाई I, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर बाई इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट। तो आप रेशियो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, किसका किसका रेशियो, रेशियो किसका किसका हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया आपका, तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, आर बराबर हो गया वी बाई आई, वोल्टेज बाई करेंट। अब हम एस आई यूनिट देखेंगे तो ऐसे डेफिनेशन देख लीजिए, बताएंगे कारण क्या है, किस कारण से ये प्रतिरोध आता है बताएंगे। तो एस आई यूनिट, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो एस आई यूनिट होगा क्या होगा देखिए आप। अब फॉर्मूला क्या हो रहा है, फॉर्मूला हो जा रहा है रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बाई करेंट। तो वोल्टेज का एस आई यूनिट पता है वोल्ट, और करेंट का एस आई यूनिट हो गया एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर। विद्यार्थियों वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम नाम दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं जॉर्ज साइमन ओम के नाम से है ये ओम। अब ये ओम सिंबलाइज करें तो ये सिंबल से डिनोट किया जाता है ये ओम। तो आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया, और ओम किसके जगह में लिखा गया, वोल्ट पर एम्पियर के जगह में, ये याद रखेंगे ऐसा यूनिट हो गया ओम। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पहले आप फॉर्मूला में लौटे, तो फॉर्मूला में क्या है, रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट। और पोटेंशियल बराबर क्या पढ़े, डायमेंशन यदि निकालेंगे हम तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और पोटेंशियल बराबर हम पढ़े हैं वर्क बाई चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल। और नीचे पहले से क्या है करेंट, तो करेंट नीचे पहले से है। तो ये चीजें हैं, आप देख पा रहे हैं कि वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, M L M L2 T-2। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। अभी वर्क का हो गया ML2 T-2, चार्ज का हो गया AT, और करंट का हो गया
ए, करंट का हो गया ए। आप इसे कैलकुलेट करें, एम हो गया पावर वन, एल कितना, एल हो गया टू, और टी कितना हो गया, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और माइनस टू माइनस थ्री, ए कितना हो गया यहाँ वन और यहाँ वन, टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू। रीचेक करें आप तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट हो गया, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और पोटेंशियल बराबर क्या हो गया, वर्क बाय चार्ज, करंट देखिए नीचे, वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज का हो गया ए टी और करंट का हो गया ए, एम सिंगल है एम वन, एल टू एल टू, टी माइनस टू है एक वन नीचे है, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री, ए वन और ए वन, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए का पावर माइनस टू हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अब मेजरमेंट, किसी कंडक्टर का या किसी मटेरियल का जब हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो किससे मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओम मीटर। ओम मीटर के मदद से हम किसी कंडक्टर का या किसी का भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। कैसे मेजर करना है इस स्टेज पे अध्ययन नहीं करना है, बस आप इतना जान लें कि मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से होगा, तो ओम मीटर से मेजरमेंट होगा रेजिस्टेंस का। अब जो है वो रेजिस्टेंस देखिए, रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस को कैसे निर्भर किससे डिनोट करते हैं, यदि रेजिस्टेंस फिक्स रहा, यदि उसका वैल्यू कंडक्टर में फिक्स है या वेरिएबल रेजिस्टेंस, तब देखिए यदि रेजिस्टेंस फिक्स है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम ये सिंबल से डिनोट करेंगे, और वेरिएबल होगा तो उसमें जो होगा वो कैसे डिनोट करेंगे सो देखिएगा, वेरिएबल में एक एरो का सिंबल आएगा, समझे। ये हो गया फिक्स रेजिस्टेंस, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको बनाते समय नींद में ऐसे ऐसे खींचते नहीं रह जाए, ध्यान रहे ये ऊपर से तीन नीचे से तीन या चार हो सकता है पांच हो सकता है, ज्यादा ना खींच दे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। बच्चों यही वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टैट भी कहते हैं, रियोस्टैट। इसका अलग से, ये बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, तो इसका वीडियो एक अलग से एक क्लास में बनाएंगे। अभी यहां जानिए कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस, ये चीजें हो गया। अब जानेंगे कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में किन कारणों से, काउज, रेजिस्टेंस कैसे किसी कंडक्टर में आता है। तो देखिए कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं, तो फ्लो होने के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स में कॉलिजन होता है। कॉलिजन कहने का मतलब ये कभी ना समझ लें कि हेड टू हेड जाकर टक्कर हो जाए, एक के प्रभाव से दूसरा अपना रास्ता बदल ले तो भी कॉलिजन कहलाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच कॉलिजन, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के बीच कॉलिजन, तो यहां जो ये कॉलिजन मुख्य रूप से क्या, रेजिस्टेंस किसके कारण उत्पन्न होता है, कॉलिजन के कारण। कॉलिजन किसके किसके बीच होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के बीच, ये कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में जो जो प्रॉब्लम फेस करना होता है, वही चीज कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया काउज, कौन सारे कारक हैं ये प्रतिरोध बनने के। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, तो कितने सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है सो देखिए, डिपेंड्स अपॉन, तो वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन किस पे निर्भर करता है सो देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द मटेरियल, सबसे पहले निर्भर करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। आप देखेंगे कि कॉपर का बना हुआ है, या आप एक
एक कॉपर हो गया और एक नाइक्रोम ले लीजिए आप, तो ये दो अलग अलग मटेरियल है। अब एक कॉपर का वायर ले लीजिए, कॉपर के वायर का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ले लीजिए आप एक नाइक्रोम के वायर का, ठीक। लेंथ दोनों का बराबर लीजिए, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर रखिए, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखिए, फिर भी आप पाएंगे कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होगा, लगभग 60 गुना ज्यादा होना चाहिए होगा। अब दूसरा किस पे निर्भर करता है, दूसरा हो गया टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पर किस तरह से निर्भर करता है इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, है ना, ये तीन स्टार देकर रखिए, ये बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी इतना जानिए कि किसी कंडक्टर का यदि टेम्परेचर रेज करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी रेज होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा विद्यार्थियों, क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कॉलिजन बढ़ेगा, और कॉलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे अलग से, नंबर थ्री। तीसरा में आते हैं तो डायमेंशन पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस, कंडक्टर के डायमेंशन पर निर्भर करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर के डायमेंशन में कौन कौन सारे टर्म आए, डायमेंशन में आ गया सबसे पहले लेंथ, लेंथ पे आ गया। तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, लेंथ पे, किस तरह करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वायर का जितना ज्यादा लंबाई होगा उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा लंबाई तक मोशन करना है, उस दरमियान कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो स्पेस ज्यादा मिलेगा मोशन के लिए, तो कॉलिजन कम होगा, कॉलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्स रिलेशन है आर का, ये दोनों को आप कंबाइन कर दें तो क्या पाएंगे, ऑन कंबाइनिंग आप वो दोनों को कंबाइन कर दें तो हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो हो गया आर, और यहां प्रोपोर्शनलिटी हटा उसके जगह में आया रो, और ये रो को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए, वेयर रो को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए, या इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, या इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, या इसको आप कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका नेक्स्ट क्लास में इस पर वीडियो होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहां देखें, एक फॉर्मूला देखें हम लोग, आर बराबर वी बटा आई। तो आज के एपिसोड यानी कि आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, और बुक भी अध्ययन करें घर में। धन्यवाद।